एजेस पर दिखाई, लेकिन अभी के लिए टीम ऑटोबॉट्स के ऊपर जो स्लैमिन है वो आ चुका है ओमेगा टाउन। हेक्टर यहां पर मौजूद रहने वाले टीम ऑटोबॉट्स के चारों खिलाड़ी सरवाइव करते हुए एक और ग्रेनेड जाएगा, हेक्टर भी डाउन होते हुए नजर आएंगे। अक्षत ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग इन टीम ऑटोबॉट्स, वेल अनडाउटेडली दे आर द किंग्स ऑफ रैंगल। जिस तरीके से वो होल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से सोल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अक्षत का बच पाना बहुत मुश्किल, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो अगला सर्कल है वो हमें कहां पर जाता हुआ नजर आएगा। क्या एक बार फिर से टीम ऑटोबॉट्स को फेवर करेगा? वही बात करें अक्षत की, अभी भी उनकी जो पोजीशन है वो रिवील नहीं है। जी हाँ, एक 1v4 सिचुएशन यहाँ पे जरूर बन जाती है, देखना जरूर चाहूंगा कि किस तरह से वहां पे हैंडल करा जाएगा। अक्षत मीनवाइल यहाँ पे UP50 के सरकार को स्पॉट करते हैं, शॉट देने की क्रॉस सेट प्लेसमेंट बिल्कुल आपको सिर पे देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा मौका उनको चाहिए, एक और मेरे ख्याल से अभी वो सोच रहे हैं कि अगर मैं शॉट लूंगा कहीं रिज का उनको ग्लिच ना पड़ जाए, शॉट ना दिया जाए। ऑटोबॉट्स के प्लेयर उनके सामने आ चुके हैं, अभी विकेट डिसिप्लिन आपको देखने को मिल जाता है। अक्षत की तरफ से शॉट नहीं लिया गया क्योंकि ऑटोबॉट्स को उनकी जगह नहीं पता, बट आप सामने प्लेयर है, सोच जरूर रहे हैं क्या शॉट ले क्या ना ले, लेकिन अभी तक वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया जाता है पूरी तरीके से, वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। उनको ही पता है कि जोन अभी के लिए उनसे दूर जा चुका है। अक्षत बिल्कुल चुपचाप वहां पर प्रोन डाउन होकर के लेटे हुए हैं और बस शिकार का वेट कर रहे हैं कि एक साथ टीम ऑटोबॉट्स कब यहां से निकले और जो मुश्किलें हैं उनकी वो बढ़ाई जाए। मीनवाइल टीम काइनेटिक की बात करें, KU को वहां पर डाउन किया जाएगा, एक और प्लेयर खो सकते हैं टीम काइनेटिक सर्कल के अंदर भी मौजूद है। मीनवाइल अक्षत फाइनली वो जो ट्रिगर डिसिप्लिन है वो जाएगा, एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, लेकिन अब उनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से रिवील है। मॉलोटोव के साथ वो जो फिनिश है वो भी कंफर्म किया जाएगा। क्या ये एक 1v4 क्लच हो सकता है, देखने वाली बात। टीम ऑटोबॉट्स की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग गन पावर उनकी, स्पेशली अगर हम बात करें क्लोज रेंज की, एक मुश्किल स्थिति में जरूर से रहने वाले। ग्रेनेड आएगा जरूर से, लेकिन एक ग्रेनेड के साथ स्वागत भी किया जाएगा टीम ऑटोबॉट्स का, वो कनेक्शन बनेगा और वह ही इज आल्सो डाउन। अक्षत कैन ही क्लच इट आउट, लेकिन बैक टू बैक जो ग्रेनेड थे वो हमें अक्षत के ऊपर आते हुए नजर आ रहे। हील करेंगे अपने आप को टीम ऑटोबॉट्स पूरी तरीके से मुश्किल में। मिस्टर IGL इज ही द ओनली मैन स्टैंडिंग, वेल वी हैव टू वेट एंड वॉच, बट अभी के लिए टीम सोल जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। मिस्टर IGL ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग एंड अक्षत ही इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट। वो आगे की तरफ जाएंगे, आखिरी प्लेयर स्पॉट करा, जो ब्रेक का कनेक्शन है वो आएगा, कैन ही डू इट, ओह माय गॉड, दैट वाज वेरी क्लोज, डॉट HP सरवाइविंग, ऑटोबॉट्स का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन अक्षत और सोल का, बट दैट वाज जस्ट मैग्निफिसेंट।